हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ ये ब्यूटीफुल कलरफुल पेंटिंग का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इस पेंटिंग का खास बात ये है कि ये जो कैनवास आप देख रहे हो, ये मैं अपने हाथों से बनाई हूँ। आई हैव मेड दिस कैनवास विद कार्डबोर्ड एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपको डिटेल्स में जानना है कैसे ये कैनवास आप खुद बना सकते हो, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो का एंड में मैं उस वीडियो का लिंक शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को मेरी तरह हैंडमेड गिफ्ट्स बनाना अच्छा लगता है, या तो फिर अगर आपको अपने घर का वॉल पिक्चर्स से डेकोरेट करना अच्छा लगता है, देन आई विल रिकमेंड यू टू ट्राई मेकिंग सच काइंड ऑफ हैंडमेड कैनवास एंड मेक सम आर्ट वर्क ऑन इट। Just hang this on your wall, it will really look beautiful. And this is also so budget friendly. आप लोगों को तो पता ही है कि कैनवास पेंटिंग आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन अगर खरीदना चाहते हो, वो सब कितना कॉस्टली मिलता है। और घर चाहे जैसा भी हो, घर के वॉल्स अगर खाली रहे तो कैसे फीका फीका लगता है। सो घर के वॉल्स में अगर कोई पिक्चर आप हैंग करते हो, तो उस घर का वाइब ही चेंज हो जाता है। सो आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन टू ट्राई दिस DIY पेंटिंग। आई एम एक्चुअली मेकिंग दिस पेंटिंग फॉर माय आंट। शी हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू मेक सच काइंड ऑफ कलरफुल फ्लावरी कैनवास पेंटिंग फॉर हर, सो शी कैन डेकोरेट हर वॉल। आई एम जस्ट शोइंग यू वन ऑफ सच पेंटिंग, क्योंकि मुझको लगा कि अगर आप लोग भी देख सकते हो कि किस तरीके से आपके खुद के हाथों से बनाए हुआ कैनवास के ऊपर पेंट करके अगर आप घर को डेकोरेट कर सकते हो, तो मे बी आप लोग भी ये चीज़ ट्राई करें, क्योंकि ये सच में बहुत अच्छा लगता है। इस कैनवास को कैसे वॉल्स में लगा सकते हैं, उसका वीडियो मैं या तो फिर ट्रिक्स मैं मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में फेसबुक पेज में शेयर करूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर, बिकॉज मेरे आर्ट से रिलेटेड मैं जो भी चीज़ ट्राई करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, सबका वीडियो तो ऑल टाइम पॉसिबल नहीं होता है ना कि यूट्यूब में डालें, क्योंकि मुझको नहीं लगता है कि एक ही टॉपिक के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाकर डालना कोई हेल्पफुल होगा। मैं यूजुअली अपने यूट्यूब चैनल में वही सब वीडियो डालती हूँ जो मैं या तो कुछ नया ट्राई करी हूँ या कुछ डिफरेंट ट्राई करी हूँ, या जो मे बी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो उस तरीके का। सो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप मुझको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में भी फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पर मैं जो भी कुछ करती हूँ, पेंटिंग बनाती हूँ या स्केचेस बनाती हूँ या हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ, वो सबका अपडेट्स मैं वहाँ पर शेयर करती हूँ। सो फॉलो मी ऑन माई अदर सोशल मीडिया सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ माई आर्ट रिलेटेड अपडेट्स। मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, सो डू चेक आउट। एंड अगर आप लोगों को ये पेंटिंग अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि कोई भी पेंटिंग बनाए या हाथों से कुछ चीज़ें बनाए, ये सब चीज़ों बनाने में सच में बहुत मेहनत लगता है, बहुत पेशेंस का ज़रूरत पड़ता है। कभी कभी तो एक पेंटिंग बनाने में 5 से 7 घंटा लग जाता है। सो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कि आप लोगों को कैसा लगता है, अगर एक वीडियो से अच्छा फीडबैक मिलता है, तो लगता है जैसे कि सारा हार्डवर्क लाइक पेड ऑफ, यू नो, और भी एनर्जी मिलता है कि और अच्छे तरीके से काम करे, और मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छा अच्छा काम करे और अच्छे तरीके से वीडियो बनाए। ऐसा लगता फील होता है कि आप लोग भी इंजॉय करते हो, आप लोग भी इंतज़ार करते हो नेक्स्ट वीडियो का। सो एक बूस्ट मिलता है एनर्जी एंड मोटिवेशन दोनों में। सो इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो प्लीज़ फीडबैक दिया करिए, या तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए। एंड
आई रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक, क्योंकि कोई भी पर्सन को सब कुछ नहीं पता होता है। वो चाहे जितना भी नॉलेजेबल पर्सन हो, हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मैं तो अपने तरीके से कोशिश करती हूँ कोई भी चीज़ बनाने का, पर मुझको नहीं पता होता है कि और क्या करके इस चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। हाँ, खुद ट्राई करके एक्सपीरियंस से बहुत सारे नॉलेजेस गेन करता है इंसान, बट कुछ कुछ ऐसा चीज़ बट जो फील्ड में जो काम करता है उसको ज़्यादा पता होता है। बेसिकली मैं तो, आप लोगों को पता ही है कि इस फील्ड में मैं काइंड ऑफ नोविस हूँ। मुझको कोई वैसा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ऐसा कोई ट्रेनिंग नहीं है। मैं वीडियोस देख देख के या तो फिर गेस कर करके मैं खुद से ट्राई करती हूँ। सो मुझको काफ़ी सारा चीज़ें नहीं पता है, इसी की वजह से मैं अगर आप लोगों को पता है कोई भी चीज़, अगर आप लोग ट्राई किए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो प्लीज़ शेयर करिए, सजेशन दीजिए, रिकमेंड करिए, जो कि मैं खुद ट्राई कर सकती हूँ, या तो फिर जो चीज़ मुझको मेरे काम को बेटर करने में हेल्प कर सकता है, वो सब इंफॉर्मेशन ज़रूर दीजिया करिए। बहुत ही अप्रिशिएट करूँगी मैं वो सब फीडबैक को, और आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी और अच्छे तरीके से काम करूँ और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। तो anyways, this is the final outcome. I hope you like this painting. आज के लिए इतना ही, और अगर अच्छा लगा तो please like, comment, share and also subscribe to my channel and see you in the next video. Till then, stay safe and pray to God that this crisis gets over really, really soon. And prayer for everybody. सब अच्छे रहे, सेफ रहे, और सब इस एक साथ इस क्राइसिस से सही सलामत हम लोग बाहर निकल आए, और एक बेटर फ्यूचर हम लोगों को बहुत ही जल्दी दिखने को मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।